और आज हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं एक शादी के लिए, तो गाड़ी में बैठे हैं, तैयार हुए बगैर ही जा रहे हैं, तो गाड़ी में थोड़ा बहुत तैयार अभी नहीं मैं तैयार हुई, अगर तैयार होना हुआ तो थोड़ा बहुत तैयार हो जाएंगे, और मामा कहती हैं कि तैयार होना चाहिए तो फिर थोड़ा थोड़ा हो जाएंगे तैयार, और सुहेब तो तैयार हो गया है पूरा, तैयार होकर आया हूं, इस्त्री भी खत्म हो गई, नहीं वो मैं नहीं करता, इस्त्री तो खत्म हो गई ना, नहीं इस्त्री खत्म हो गई, लेकिन चप्पल अपनी घर वाली पहन के आया हूं, वो बाप शादी में बाद में पहनूंगा। अच्छा, इसीलिए मैं सोचूं कि सुहेब कैसी जूती पहन रहा है, आप इतनी हैरान हुई थी मैं कौन सी चप्पल पहन के आ रहा हूं। तो अभी हमारा 2 घंटे का रास्ता हो गया, 2 घंटे का हो गया, 1 घंटे का अब 2 घंटे का रहता है, इस्लामाबाद तो लाहौर से ऐसे आ जाता है 4 घंटे 3 घंटे में, तो चढ़े हुए जो भी घंटा ही हुआ है। आपने तेज ही चलना होता है इस रोड पे, अगर मर मर के चलोगे तो फिर अब वो आगे इसलिए एक्सीडेंट होते हैं, आपको पता है। A few moments later, मैंने अभी ये लेस का पैकेट खोला है और इसमें बस ये 50 रुपीस वाले पैकेट के अंदर वो अंदर जाकर लेस पड़े हुए थोड़े से, बहुत ही कम है। हाँ बहुत कम है, क्या हम ये दूसरा पैकेट खाने लगे हैं आप? इतना खा लिया, इतना खा लिया, कितना खा लिया साहब? इतना जहाँ तक ये लेस लिखा है ना, सही है ना, इसके नीचे ये 50 वाला से बेहतर है, मगर हाँ 50 वाला तो पूरा 50 वाले से बेहतर है ये, आज इसे भी कम खाओ तो। हाँ चलो, अब मैं दूसरा पैकेट खाने लगी हूँ। ट्रैवल पे जाते हुए कुछ ना कुछ खाने की जरूरत होती है, तो ये अहमद की जलीस, चलो हम लोग खा लेते हैं, सारे ना खत्म करना, ये बहुत अच्छी जलीस होती है, एक डब्बा और है ना, ये आखिरी आखिरी बोला, ये आखिरी डब्बा इसका, ये लेके आया था, लेकिन वो सर्दियों में होंगे ना, ये होंगे साइडों पे, ये तो वैसे ही है, विंटर में आते हैं नमाज पढ़ने गए थे और अभी वो आ भी गए हैं 2 मिनट बाद, क्योंकि 2 फर्ज पढ़ने थे सफर के, आ जाओ सेम, और अभी हम भेरा पे रुके हैं, वो क्रंच खाना जो भी खाना ले लो, टाइम 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे। ये है कॉस्मेटिक्स रैंडम स्टोर पे, तो वहाँ जाओ कोई कॉस्मेटिक्स ले लो, नहीं लेनी ऐसे, ठीक है, महान ने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, महान अपने बाल नहीं स्ट्रेट किए हुए, हाँ हाँ डिस्क का ड्राइव थ्रू बना हुआ है, राहत तो है, इन्होंने अपने इस गार्ड के लिए ना कूलर रखा हुआ है बाहर हार्डीज वालों ने, जगह खत्म हो गई ना जहाँ पे हमने लगाई थी। ओके गाइस, ये हम लोग भेरा पे रुके हैं, यहाँ पे अहमद खाना लेने के लिए गया है और धूप काफ़ी ज़्यादा है, मगर मैंने कहा चलो मैं एक आधा छोटा बाहर निकल के ज़रा चक्कर काट लेती हूँ, देख लेती हूँ मौसम कैसा है, मगर यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, आज तो 46 डिग्री टेम्परेचर है, तो काफ़ी गर्मी है और इधर काफ़ी कुछ बन गया हुआ है, मुझे याद है जब हम बचपन में आते थे तो इधर चीज़ें नहीं होती थी, एक राहत होता था और एक आधी और बेकरी होती थी और शायद मैकडॉनल्ड्स होता था, तो अभी यहाँ मैकडॉनल्ड्स है, सॉल्ट एंड पेपर है, कोई ओमोर है, सिंपली सूफी है, KFC है, हार्डीज़ है, और इसके पीछे वाली साइड पे सारे कॉफ़ी शॉप्स हैं, ग्लोरिया जीन्स तो मैंने देखा है, बाकी और कोई है या नहीं है पता नहीं। ओके ये अहमद खाना लेके आ गया, चलो फिर जगह चेंज करो, मेरी ऐनक अपनी ऐनक ना भूल जाओ, फिर मेरी ऐनक पकड़ा दो, ऐसा तो हाल है, फोन का कैमरा हमारी नज़र से ज़्यादा अच्छा है, कर दिया पकड़ो, मेरी नजर तो मेरी लपड़ा, मैंने भी नहीं देखा, मुझे पता नहीं कहाँ से, मामा बर्गर ये रहा, मैं अभी रिंकल्स पे चढ़ जाऊंगा रोड पे, फिर पता आप लोग कहाँ से,
पेप्सी ठंडी है ना? हाँ पेप्सी ठंडी है। हम तो पानी देना। हम इधर चली गए पहाड़ों की तरह। हम इन पहाड़ों के अंदर से आएंगे अभी। हाँ वो देख पहाड़ों के अंदर से गुजर रहे हैं। न्यू पहाड़ क्यों यहाँ पे वेट कर रहे हैं? अच्छा ये चढ़ाई आ रही है। तो ये ऊपर नहीं जा सकती गाड़ियाँ? अपने मुझे लगता है ये चीजें बांध रहे हैं। फ्रूट पापा ने मुझे कुछ बताया था कि यहाँ पे रुकते हैं ट्रैफिक वाले, पता नहीं क्या बताया था। खाना खा के मेरी शक्ल एकदम फ्रेश हो गई है, मेरा मूड मतलब ठीक हो गया है। सुबह की हालत खराब हो गई है। नहीं वो थोड़ा थोड़ा है मगर खाना खा के फिर भी थोड़ी ताकत आ गई है तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। मैं आपको अपडेट देती रहूंगी अगर मुझे उल्टी होगी। हाँ मैं आपको अपडेट देती रहूंगी अगर मुझे उल्टी हो गई तो। ये भिबा कह रही है मुझे कोने से, तो क्योंकि वैसे मैं पहाड़ों में ज़रा सौंफ वगैरह मुंह में डाल लेती हूँ। च्युइंगम खा लो ना। च्युइंगम नहीं खाती मैं, आपको पता नहीं है तो खा लो। नहीं खाती तो अजीब सी तबीयत होने लग जाएगी। बस आहिस्ता चला रहे हैं मैं लिफाफे में। ये च्युइंगम खाने लगी हूँ कि मुझे ना उल्टी ना फील हो और ना आए। वैसे मुझे मैं च्युइंगम नहीं खाती होती बट अभी इसके लिए खानी पड़ी है। सही इसके ऊपर ये क्यों बना हुआ है कि ये खा के डस्टबिन में फेंक दो? शायद ये जो आदमी मैंने आज तक नोटिस ही नहीं किया कि इसके ऊपर बना हुआ है कि डस्टबिन में और हाथ में फेंक दो, ये पेपर डस्टबिन में फेंक दो। रख लेती हूँ फिर मैं भूल गई। आपको पूरे रास्ते याद नहीं आया? नहीं अभी मैं पहाड़ों को देख के वाह वाह लगी हुई थी एकदम से। एमा ने याद करा दिया कि उल्टी भी आ सकती है। अब देखो कितने प्यारे काटे हुए काटे हुए हैं। रोड सही है नहीं है ऊपर जा तो नहीं है के पहाड़ों से ये कलर कार पे आग लगी हुई है। वो देखो पीछे लोगों के घर भी है और वो देखो उधर भी लगी हुई है। हाँ लोगों के घर भी है तो आग लगी हुई है। हाँ देखो हाँ आग नजर आ रही है प्रॉपर।